الله الرحمن الرحيم محمد ولا آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ولا آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं लिक्विड्स का, आखिरी टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स एंड देयर एप्लीकेशन। सबसे पहले व्हाट आर द लिक्विड क्रिस्टल। ये डायग्राम देखें ज़रा कि लिक्विड्स क्या होते हैं जिनकी ख़ास प्रॉपर्टी है कि दे हैव फ्लो, सॉलिड्स प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक हो गया। जबकि लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी इनके इन बिटवीन होगी कि उसमें ये देखें अरेंजमेंट भी है क्रिस्टल्स की और फ्लो भी है, तो दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें पाई जाएंगी, डेट इज़ कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल। किताब क्या कह रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यू नो प्योर सॉलिड मेल्ट शार्पली, लेकिन इसमें क्या है, टेम्परेचर मेन कॉन्स्टेंट एट द मेल्टिंग पॉइंट अंटिल ऑल द सॉलिड मेल्ट। प्योर सॉलिड होते हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे सारा का सारा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। लेकिन 1888 में फ्रेडरिक रेंटजर एक साइंटिस्ट था जो कि बॉटनिस्ट था, इसने ये यूनिवर्सल डिस्कवरी की क्या कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं, उसने एग्जांपल ली कोलेस्ट्रोल बेंजोएट, ये एक मटीरियल लिया, उसने कहा कि 145 डिग्री पे ये क्या हो जाता है, मिल्की लिक्विड टर्न हो जाता है, और क्लियर किस टेम्परेचर पे होता है, 179 पे। हालांकि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि वो एक टेम्परेचर पे कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है, और जब इस सब्सटेंस को ठंडा किया गया द रिवर्स प्रोसेस अकर, तो दोबारा भी ऐसा ही हुआ, तो डिस्टर्बड लिक्विड कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। ये देखें डायग्राम क्या हमने हुई है कि ये प्योरली सॉलिड था जो हमने लिया मटेरियल कोलेस्ट्रोल बेंजोएट, जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, तो ये था 145 डिग्री पे जाके ये क्या हो गया, टर्बड हो गया, लिक्विड भी है इसमें और सॉलिड सब्सटेंस, तो मिक्सचर था, इस टर्बड फेज को हमने कहा लिक्विड क्रिस्टल। जबकि 179 डिग्री पे ये क्या हो गया, क्लियर हुआ, तो उसने कहा कि ये जो इन बिटवीन फेज है डेट इज कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर हुआ। कोलेस्ट्रोल बेंजोएट उसने मटेरियल लिया, ठीक हो गया, जिसने उसको कहा कि ये जो इन बिटवीन फेज है डेट इज कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल। अप टिल नाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट देयर आर मेनी क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट टू ए टर्बड फेज बिफोर फाइनली मेल्टिंग टू ए क्लियर लिक्विड। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा कंपाउंड ऐसे नजर आए जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। दीज टर्बड लिक्विड फेज कैन लो एस लिक्विड फ्लो, दे हैव द प्रॉपर्टी लाइक लिक्विड एज सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, बट इंटरेस्टिंग टू नो द मॉलिक्यूल इज सच टर्बड लिक्विड पोजेस सम डिग्री ऑफ ऑर्डर एज वेल। तो दो प्रॉपर्टी, एक फ्लो और एक ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट, जिसको नाम दिया हमने टर्बट।
इट मीन्स डैट दीज टर्बो लिक्विड रिजेंबल क्रिस्टल प्रॉपर्टी इन सर्टन एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. दीज टर्बो लिक्विड आर हेंस कॉल्ड अ लिक्विड. ठीक हो गया. तो इनको फिर हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया लिक्विड क्रिस्टल का. डिफाइन करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन जो है. अ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड अ मेल्टिंग टेम्परेचर एंड अ क्लियरिंग टेम्परेचर. इन दो के दरमियान जो फेज पाई जाती है लिक्विड क्रिस्टलाइन दैट इज कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल. ये देखेंगे क्रिस्टल एक प्योर फॉर्म है, ये लिक्विड है. जो इन फेज पाई जाती है डेट इज कॉल्ड अ लिक्विड क्रिस्टल. ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टल में, प्रॉपर अरेंजमेंट है. जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो कुछ में डिसऑर्डर आ गया, ज़्यादा किया तो ये फिर लिक्विड फ्रीली मूवमेंट हो गया. फ्रॉम 1888 टू 30 ईयर अगो लिक्विड क्रिस्टलाइन लेड टू लेबॉरेटरी क्यूरियोसिटी बट नाउ दे हैव फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन. कि 30 साल तक सिर्फ ये लैब तक ही महदूद रहा कि लैब में क्या काम हो रहा है, लैब कैसे काम कर रही है, लेकिन कोई भी इसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई. उसके बाद दी सब्सटेंसेज विच मेक द लिक्विड क्रिस्टल आर ऑफन कंपोज ऑफ रॉड लाइक मालिक्यूल. ओरिएंटेशन में क्या है, नॉर्मल लिक्विड फेज दीज मालिक्यूल आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन. रैंडम डायरेक्शन कोई खास पैटर्न जो नहीं होता. इन लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज दे डिवेलप सम ऑड मालिक्यूल, इससे फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स बनी. टाइप्स ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल कितनी हैं, 3. वन इज नोमैटिक, सोमैटिक एंड क्लेस्टोरिक. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. नोमैटिक देखें, ये अरेंजमेंट है. सोमैटिक प्रॉपर, ये इसमें देखें ऊपर नीचे है, इसमें बिल्कुल अप सामने, ये बिल्कुल एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो ये ऐसे है. ये देखें लेयर थोड़ी सी ऊपर नीचे. जबकि क्लेस्टोरिक फेज में ये एक डिग्री ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये और तरीके से अरेंज है, ये दो और ये दो. तो ये 3 है हमारे लिक्विड क्रिस्टल की टाइप्स. इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्लूडिटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेटा होती है क्रिस्टल की, फ्लूडिटी होती है लिक्विड की. याद रखना दोनों प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है. तो ये प्रॉपर्टी बढ़ती कैसे है, दी शो प्रॉपर्टी बिटवीन क्रिस्टल एंड आइसोट्रोप. प्योरली देखिए अरेंजमेंट है, ये लिक्विड क्रिस्टल है कि कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, इसको हम मीजो फेज भी कहते हैं. ठीक हो गया. और ये है प्योरली, आप देखें यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम है, तो ये आइसोट्रोपिक फेज हो गई, यानी कि लिक्विड की तरफ जा रही. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. दिस यूनिक प्रॉपर्टी में एक लिक्विड क्रिस्टल इंटरेस्टेड इन साइंटिस्ट सिंस दिस डिस्कवरी ड्यू टू रिमार्केबल ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. लिक्विड क्रिस्टल हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल टिश्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस. वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी है लिक्विड क्रिस्टल एज टेम्परेचर सेंसर, कि जैसे ही टेम्परेचर किसी भी बॉडी का चेंज होगा तो ये उसको सेंस कर लेता है. कैसे सेंस करता है, क्या फिनोमिना होता है. लिक्विड क्रिस्टल कैन डिफ्रैक्ट लाइट. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होंगी इसमें हमने पढ़ी है. व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्ड कलर्ड. As temperature change, the distance between the layer of the molecule of liquid crystal change. Therefore, the color of the reflected light change accordingly.
ये ज़रा देखना, ये हमारे पास बेटा है कोल्ड, ठीक है, लेयर लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। ये देखिए मॉलिक्यूल की लेयर का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ले लाइट आई, लाइट आके जब फॉल हुई तो इसने कलर चेंज किया। अब ये देखें लिक्विड क्रिस्टल, ये लेयर अब करीब करीब हो गई, अब वाइट लाइट उसी पे पड़ी, तो अब ये जो एंगल था इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का, ये चेंज हो गया ये वाला, तो अब ये ब्लू लाइट रिफ्लेक्टेड है, ये रेड। तो इसी वजह से ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो फिर हम मीयर कर लेते हैं, कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है कि आया टेम्परेचर चेंज हुआ। खासकर हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर जो है ना, वो हम मेजर करते हैं छोटे बच्चों का, जिसमें हम थर्म, तो अगर टेम्परेचर हो, सर्कट ब्रेक हुआ है, टेम्परेचर वहाँ हाई होगा, तो हमने अब क्या पास है, तो उस पर हमने लिक्विड, ये हमारे पास एक सर्कट था, इस साहब पे हमने लिक्विड क्रिस्टल को गिरा दिया। जब हम लिक्विड क्रिस्टल को चेंज नज़र आ जाएगा, तो फिर उस एरिया को हम क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ना कि पूरे बड़े बड़े होल जो सर्कट्स होते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज में उसको हम चेक करें। तो पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इसको बड़ी अहमियत से इस्तेमाल करते हैं। ये देखें 18 पे ब्लू कलर का लगे टेम्परेचर मेजरमेंट शो की हुई है, फिर ग्रीन, फिर 10, तो जैसे जैसे टेम्परेचर 2 डिग्री का चेंज हो रहा है तो ये डिफरेंट कलर शो कर रहा है। तो इसी तरीके से इन थर्मामीटर हम इसको टेप के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। टीवी डिस्प्ले स्क्रीन्स में इसको यूज़ करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के टीवी आते हैं, और असिलोग्राफ जो होती है इसमें हम ये मेजर करते हैं वेव्स, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट स्क्रीन्स में।